हैदर भाई हैं हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले गिव अवे के फर्स्ट विनर। हाँ जी हैदर भाई, मजा आया बाइक चलाने का? बिल्कुल ब्रो, और उससे ज्यादा आई हैव लाइक्ड यू बिकॉज़ यू आर द नाइसेस्ट पर्सन। थैंक यू सो मच, बाय। आजो ना, ओए ओए, उसने जोर से पकड़ लिया झूले को। लड़की का चक्कर है, मम्मी को फोन करके कहती हूँ कि इसकी ना शादी करा। अल्लाह अकबर, भैया लड़की का चक्कर। पंजाब वाली लाल। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, क्या हाल चाल है? आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ। सुबह के 5:45 तकरीबन, वैसे तो 4:55 हो चुके हैं, लेकिन सहरी का टाइम बंद हो चुका है 4:40 पर आज। और भाई ने एक नए रोजे का आगाज भी कर लिया है बड़ी ही जबरदस्त किस्म की सहरी करने के बाद। आप बताएं रोजे कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के? अच्छे ही गुजर रहे होंगे। अगर तो मेरे जैसे वेले मस्टंडे हो जिन्होंने आधा दिन सोकर गुजार लेना, उनको तो कोई टेंशन नहीं है यार, चिल माहौल और मिठे चौल। ये मोबाइल शोबाइल छोड़ो, छोटे भाई को फोन कर लिया, ब्राह को हमारी जिम्मेदारी है, वो किधर है? पूछता हूँ उसको कि कहाँ रह गया, क्योंकि वो भाई साहब आज सहरी करने के लिए बाहर गए हुए थे और अभी तक आए ही नहीं है। किधर है? ये घर पहुँच के वाले। कितनी देर में? ये 3-4 मिनट। चल आ जा जल्दी से। ब्राह खैर से आ गया घर और जाते हैं बाहर। हमारे कुकू ने बोलना शुरू कर दिया पहले ही। वेलकम जी वेलकम, टिंडू बन के आ गए हो तुम। कुछ तो करे, गंजू मंजू लग रहे हो तुम। किधर गया व्लॉग वाला? व्लॉग वाला नमाज पढ़ रहा है। 6.5 hours later तकरीबन 7 घंटे नींद पूरी करने के बाद मैं कवल और साथ में हमारा खंडू डोन हम लोग आ चुके थे एक काम के लिए बाहर। अब वो काम शाम हमारा हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं वापस घर। पर आप लोगों ने एक बात नोटिस की है क्या? हमारा खंडू डोन आज बहुत जल्दी उठ गया। आज ये पूरे रमजान में से ना शायद इसका पहला दिन है कि ये 12 बजे उठ गया है। मतलब आज 12 बजे उठ गया है ना, तो कल ये 6 बजे उठेगा अफ्तारी से 15 मिनट पहले, है ना? क्यों? क्योंकि नींद भी तो पूरी करनी है ना ब्रो, थोड़ी जल्दी उठ सकते हैं। देखो हमारा खंडू डॉन इतना मुतमिन है ना यार, वो अपना टाइटल सिर्फ मैं काम के लिए उठ रहा हूँ बस। हाँ मुझे पता है। और यार अपना टाइटल सॉन्ग तो सुना। रोजे में भी सुना ही सकता है, रोजे में गुनाह मिलता है, रोजे के बाद सुनाऊंगा मैं। चलो ठीक है यार निकलते हैं। सुनकर क्या कर रहे हो? Where is my wallet? वॉलेट में पैसे नहीं है। वॉलेट में पैसे नहीं है? नहीं है। तेरे पास है? मेरा wallet। अबे wallet हल्का करना, फिर उनको पैसे दे। दूसरी गाड़ी में। तेरा दूसरी गाड़ी? एक जो गया है नहीं। पचास नहीं ना, कोई 100 तो दे। मेरे पास है कमल का वॉलेट निकाल ले। A few minutes later. अभी जी मैं घर पहुंचा हूं। घर पहुंचते ही हमारे हैदर भाई जो के इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सो मच हैदर भाई, आप आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं हैदर भाई की कोई खिदमत भी इस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि उनका भी रोजा है मेरा भी रोजा है। मैंने हैदर भाई को कहा है कि आप मेरे साथ अफ्तारी करेंगे, तो इन्होंने कहा नहीं जनाब, क्योंकि मेरे नानके यहाँ लाहौर के हैं तो वो वेट कर रहे हैं। मैं बस अपना आपसे गिफ्ट उठाऊंगा और लेकर चले जाऊंगा अपने नानको की तरफ। बाकी जी हैदर भाई हैं हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले गिव अवे के फर्स्ट विनर। अगेन बहुत 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 मुबारक हो। ये है जी इनकी आईडी जिसका के नाम है पबजी लवर्स, और नीचे ये लिखा हुआ है काशिफ इजाज ये -SF9NX। ठीक है जी, आपको बाइक अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। और यही इनका चैनल है, ये चेक कर लो, किसी को अगर लगे ना कि ये स्क्रीनशॉट है तो मैं दोबारा से क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ, ये मैं यूट्यूब पर हूँ, ये मैं इनके चैनल पर चले गया हूँ। और ये है जी इनका यूजर नेम काशिफ इजाज SF9NX। ठीक है जी, काशिफ भाई ने वैसे अपना डाटा शेटा भी अपलोड किया हुआ है और 200 सब्सक्राइबर्स भी हैं यार आपके, क्या बात है। बहुत बुरी वीडियोस हैं। नहीं यार फिर भी देखनी तो चाहिए ना, पहले इंसान बुरी बनाता है क्योंकि माँ की गोद से तो कोई भी सीख कर नहीं आता। हमेशा इंसान जब काम करना शुरू करता है पहले बुरा करता है, फिर अच्छा करता है, फिर उससे अच्छा करता है, अच्छा करते कराते फिर वो उस फील्ड में प्रोफेशनल बन जाता है। I just wanna say के we are watching your vlogs. It's amazing. And literally you actually motivate us. क्योंकि आपने अब डेली व्लॉग स्टार्ट किए। बिल्कुल। Which is very hard. Thank you so much.
but I would be continuing it क्योंकि आपसे बहुत motivate होते हैं. Thank you so much. Thank you so much, हैदर भाई. Whatever you're doing, it's amazing, bro. Thank you so much, हैदर भाई. हैदर भाई student हैं इस्लामाबाद में, पढ़ते भी हैं और साथ साथ job भी करते हैं. वैसे इनका गांव है मुल्तान वाली साइड पर ना, उकाड़ा से आगे. क्या नाम क्या है गांव का? दीपालपुर से आगे है, राजपुरा. अच्छा, एंड आपको इनवाइट भी किया आपने? मैं जरूर आऊंगा. ये हमारी ऑन रिकॉर्डिंग बात भी हो चुकी है कि मैं इनके गांव जरूर तशरीफ लेकर जाऊंगा, बिकॉज हैदर भाई ने मुझे बताया कि इनका गांव बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लोकेशन है, वहां पर आपको घूमने फिरने का मजा आएगा. और मैं तो वैसे भी गांव लवर हूँ यार, पेंडू. समझ रहे हैं, हजार दफा ये बात बता चुका हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं 50 प्लस का जब हो जाऊँ ना, तो मैं मूव कर जाऊँ गाँव की तरफ, क्योंकि मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा, हाँ, वहाँ का सुकून, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के खाने में जो खालसपन की मुश्क, वो जबरदस्त होती है यार. चलें आए फिर, आपको आपका इनाम दे देता हूँ. और बाकी ज्यादती आप ये कर रहे हैं कि इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं, कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, कुछ भी इफ्तारी का सीन भी नहीं रख रहे यार. नहीं, वैसे मेरा काम था, मैं आपको इफ्तारी देता, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जब मैं आपके गाँव आऊंगा ना, आप मेरे गाँव आओ. डन. चले आए जी. ये मैंने हैदर भाई को बाइक का चार्जर वगैरह पहले ही दे दिया और बता दिया है कि ये MS Jaguar की 3 सालों की वारंटी है, जब भी खराब हो आप उस कंपनी से सही करवा सकते हैं. और दूसरी चीजें मैं आपको बाइक के पास जाकर ही बताता हूँ. और जी जनाब, इसकी बैटरी भी हैदर भाई तकरीबन 10 साल चलेगी, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और 1000 रुपया बस इसका बिजली का खर्चा आपका महीने का. मजा आ गया ना? मजा आ गया सर. अब आप बैठे और इसको चलाए, ताकि मैं भी आपके साथ पीछे बैठता हूँ. जांदी जांदी बाहर था, मनु भी झूठा दे जो. चले जी, जाने दे. क्या बात है जी, हैदर भाई तो पूरे राइडर हैं. मुझे लगा था शायद आपको ना चलानी आती हो भाई. लेकिन इसकी तो आवाज ही नो साउंड यार. हाँ, नो साउंड, कोई आवाज नहीं है. बड़ा पुरसकून माहौल और मिठे चौल, और साथ में 70 की स्पीड पर आप इसको भगाते हुए ले जाएंगे अपने नानकों के घर. इस्लामाबाद तो नहीं ना जाएंगे इस पे? नहीं, इस्लामाबाद. हाँ, इस्लामाबाद ना लेकर जाना यार, क्योंकि इस्लामाबाद 400 किलोमीटर दूर है और इसकी बैटरी एक चार्ज में 90 से 100 किलोमीटर चलती है. हाँ जी हैदर भाई, मजा आया बाइक चलाने का. बिल्कुल ब्रो, और उससे ज्यादा आई हैव लाइक्ड यू बिकॉज़ यू आर द नाइसेस्ट पर्सन. थैंक यू सो मच. विल मीट सून इंशाल्लाह. यार इंशाल्लाह गांव भी जरूर आऊंगा इंशाल्लाह. चलें, मुबारक हो अगेन बहुत-बहुत, और बहुत-बहुत शुक्रिया भी कि आप तशरीफ लाए हैं इस्लामाबाद से यहां मेरे लिए. थैंक यू सो मच. बाय. अभी जी मैं आ चुका हूँ अपने अपार्टमेंट, बिकॉज कमल ने मुझे भी बुलाया, इधर को भी बुलाया और साथ में उसके बैग को भी बुलाया. अब अपने आप को और साथ में इन दोनों चीजों को उठाकर मैं पहुंच चुका हूँ. बस इसको लेकर रफ्तारी करवाने के लिए साथ आना था. हाँ. तो हम लोग घर से ही इसको पिक कर लेते. चलो आ जाओ फिर इधर, जल्दी आ जाओ, अफ्तारी का टाइम भी हो गया. वो जी जल्दी बस टेबल लगा दो यार, क्योंकि टाइम हो चुका है अफ्तारी का. खजूर खा लो से, खजूर खा लो भाई, जल्दी ये पकड़ो. चलो यार खाना शुरू करो, क्योंकि अफ्तारी में काफी ज्यादा आइटम्स हैं और इन आइटम्स में से हमें चूजी होकर अपनी प्लेट में चीजों को डालना पड़ेगा. और आज अफ्तार में हमारे साथ हमारे मेहमान भी है, जो कि सरगोधा से तशरीफ लाए हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और ये पॉडकास्ट के लिए ऑलरेडी आए हुए थे, कमल के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी अफ्तारी का टाइम हो गया. मैंने कहा चलो आओ यार अफ्तारी इकट्ठे बैठ कर करते है ना. वैसे ये इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, ना मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए, ना आपको मुझे थैंक्स करना चाहिए, बिकॉज ना जब आपके नसीब में लिखा होता है ना कुछ खाना पीना, आपको मिलके रहता है. जी हाँ, लेकिन वो शायद हमारा इकट्ठे बैठ कर रफ्तारी करना नसीब में था ना, इसलिए आप ज्यादा लेट. ये तो मैंने कमल को बताया कि वो कैसे हमारा एक प्लान था, मैंने कहाँ पर दुआ की थी. वो कह रही थी मैंने मदीना में जब थी ना, जब हम लास्ट गए हैं, तो कह रही थी मैं भी वहाँ पे थी. अच्छा. और मैं एजल की जब स्टोरी देखती थी ना, पूरा मदीना में ऐसी चक्कर लगाती थी कि यार एजल मुझे कहीं मिल जाए. अच्छा. पर मुझे एजल नहीं मिली और मैंने दुआ की. अच्छा, तो एजल को इसीलिए तुमने बुलवाया था अपार्टमेंट के? बहन मिल रही. अच्छा जी, एजल किधर दुआएं मांगी जाती हैं आपसे मिलने के लिए, और आप हो के किसी के हाथ ही नहीं आती. बेटी बड़ी प्यारी. आपने कहना था कि पाप पे गई है ना,
लो सड़गी 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 बलगी जलगी। ओ मेरे फैंस इधर आओ, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए हो? रावलपिंडी। रावलपिंडी से इधर आए हो? और क्यों, क्या करने आए हो? कुछ नहीं पता, कहता इसका जवाब नहीं है मेरे पास। ये चेक करो अपनी वीडियो देखकर कितना खुश हो रही है। ये लो जी। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? आप किधर से आए हो? अच्छा, बैरिया टाउन से। ठीक है जी। मैं लाहौर से। ओए, मैं भी लाहौर से आया हूँ। सही बात है। कैसे मैं लाहौर से आया? क्यूट ना, माशाल्लाह। मोटू भाई ने खाने पर ज्यादा जोर दिया है ना, इसलिए दिमाग कम चलता है, पेट का सिस्टम ज्यादा चलता है। अस्सलाम वालेकुम। आप किधर? आपने बिल नहीं देना। बिल नहीं देना, हम लोग खुद ही दे देंगे। अभी पागल ना बनी। नहीं नहीं यार, बिल नहीं देना। नहीं यार, चल ठीक है, चल ठीक है, दे दे। इससे बिल लेना, गिरफ्तारी करने के लिए आया। इससे बिल लेना यार, देख ले, आठ बंदे हैं तो आठ बंदों के लिए आ सकते हैं। ताबेदार हैं? तेरे को लगी ना बिलों कम आ रही है। प्लेटें दिलवाएगा, तेरे को दिलवाएगा, तेरे को दिलवाएगा। नहीं हाँ, बाटे खाना खा के ही आया, पहला नहीं आया। दे पहले मिला तुझे। कौन सा? पहले तुझे मिला हूँ। राज हमें मिला। मिला है, लेकिन जाते जाते मिल के गया था। तेनू नहीं मिला, तेनू नहीं मैं मिला। हाँ, जलाल भाई पता चल गया था कि वो भी यहाँ पर रफ्तारी करने के लिए आया। वाह भाई वाह, खाना शाना खाने के बाद जनाब जहाँ झूले लेते फिर रहे हैं। चेक करो, अपनी मस्ती में लगी हुई है। मतलब का? ओए मामू तंग कर रहे हैं। ओए मामू के मतलब का झूला है। गुस्सा 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 वो बहुत एंजॉय कर रही है। ओए मामू ना कर, नहीं तो बद्दुआएं देने लग जाएगी। दिल कर रहा गालियां निकाले मुझे। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो बद्दुआएं देने लग जाएगी तुझे। आजो ना, बश करो बश करो। सुने आजो, कहती नहीं नहीं आजो ना। ओए ओए, उसने जोर से पकड़ लिया झूले को। कमल थोड़ी देर दिलवा दो यार, उसका दिल है। ये देखो, दूसरी बच्चियों को भी देख रही है कि वो कितनी जोर जोर से झूले ले रहे हैं। इसका भी दिल कर रहा है कि इस तरह से दो। बेटा जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आपको इस तरह से झूले दिलवाएंगे, ठीक है? अभी जी बस हम लोग निकलने लगे हैं घर की तरफ, क्योंकि खाना शाना पेट भर कर खा लिया है। इफ्तारी वगैरह भी अपनी जबरदस्त किस्म की हो गई है। और कटे कचा रह गई है यार, इतना टाइम पिछले 15 मिनट से खड़े हैं हम लोग। अबे यार तू क्या बढ़ गया, मुंह खोलना, कैमरा बढ़ेगा। हालक मुंह खोलना, हालक जलाल पे मैसेज कर रहे हैं, तेरे मैसेज कर रहे हैं। क्या हो गया यार, आ रहा हूँ यार, तुमने मेरा तू उसे दिमाग खाया हुआ है यार। यार दिमाग क्यों का है? ओ गड़िया की, ओ गड़िया की, ओ गड़िया की, फिर पर्सनल जा दिया जा का मन ते कर दिया यार हमने। क्या आ गया? चलो यार बैठो, आ गई है गाड़ी। आओ अपन लोग जी तशरीफ ला चुके हैं घर, और मेरा एक दोस्त आया है, वह उस्मान गुजरात से। इसकी बेचारे की आज क्लास थी इब्रार के साथ। ये लोग ना कोई नए नए कोर्सेज सोशल मीडिया के रिलेटेड आजकल सीखते फिर रहे हैं। मैंने कहा सीख लो यार बच्चों, घर में जो मास्टर बैठा है उससे तो कुछ सीखते नहीं हो, बाहर लोगों के पास भाग भाग कर जाते हो कि हमें कुछ सोशल मीडिया के रिलेटेड सिखा दिया जाए। घर की मुर्गी दाल बराबर। यस ब्रो यस, आज तुझे इफ्तारी करवाई है, कैसी लगी है? क्या बात है, मजा आया है ना? मैंने कल की थी एक जगह से, बिल्कुल फर्क, आज मजा आया। पैसे लगवा कर भाई के खुश रहता है। और जाली भाई मजा आया आज तुझे इफ्तारी का? कितना मजा आया? ओ माय गॉड, ये इसका तो पेट देकर अंदाजा हो रहा है कि काफी ज्यादा इसने मजा कर लिया। बहुत खाया ना। तू भी दूसरों का माल खाकर ज्यादा खुश रहता है, अपना नहीं खिलाता ये पंदा माल। चलो चाय शाय पीनी है, बताओ बनवाओ। पीनी है उस्मान, तूने पीनी? तूने भाई पी लेंगे? अबे ना भी कर दिया कर यार, कभी हर दफा कहता पी लेंगे, जो भी कहता हूँ ये खाना है, हाँ खा लेंगे। अरे बेगम हमारे लिए, और साथ हमारे जो परौने बैठे हुए ड्राइंग रूम में, उनके लिए चाय बना दो। क्या कहा? जब घर में दूध है, पत्ती है, चीनी है, गैस है, हर चीज मौजूद है, तो फिर मैं बाहर चाय पीने क्यों जाऊँ? कोई जवाब नहीं है, बनाओ बनाओ। उठ कर जवाब देना है नहीं देना ये तुम्हारी मर्जी है। और तू क्या परफ्यूमे लगाता फिर रहा है यार? खैर है, जैकेट भी मेरी निकाल कर पहन ली है, सबसे महंगी वाली। तो फिर है महंगी है, तो फिर महंगी है तो यही ना, खास दिनों में पहनते हैं। वैल्यू करती है भागे मैं पागल। ओ तूने मेरी जैकेट की वैल्यू बढ़ा दी है, परफ्यूमे को लगाता फिर रहा है, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ है? वही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है अफ्तारी के बाद? तेरा तो अफ्तारी के बाद गुनाहों का सीन शुरू हो जाता है ना, आज तू गाने का भी बता रहा था कि मेरा अफ्तारी के बाद गुनाहों का सीन ऑन हो जाता है। ये कहाँ जा रहा है? नहीं पता, सुबह से तैयार हो रहा है।
सुबह से नहीं अभी तैयार होना इसने शुरू किया, मेरी जैकेट निकाल कर पहन ली है। सुबह से बड़ा एक्साइटेड है, पता नहीं टशन मशन एक्शन मार रहा है, पता नहीं। मैं दोपहर में भी देख रहा था, वो लगाता फिर रहा था मुल्तानी मट्टी शट्टी अपने मुंह के ऊपर। खैर है प्रार साहब, ग्लो भी वखरे ही कर रहे हो आज तुम। मेरे अकेले की फोटो बना, अकेले की तेरी फोटो बना दो पहले, बता जा कहाँ रहे हैं, कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं अभी तो, हम लोग अफ्तारी करके आए हैं। कौन से जा रहे हो यार तेनु? कौन सा काम है ब्रो, बता ना, बड़ा भाई बात के बराबर होता है। तो अब्बे ही तरह ही तेरे से सवाल कर रहा हूँ कि जा कहाँ रहा है तू। अब्बा जी इन्हें सवाल नहीं करते, अब्बा जी नहीं करते बिकॉज उनको पता नहीं है कि आजकल कौन से फंडे ही चल रहे होते हैं। मुझे पता है तेरे फंडों का, जो तू चार चार घंटे बैठ कर रात में चैटे करता रहता है ना, कभी कभार गैराज में खड़ा होकर चोरी चोरी कॉल भी बात कर रहा होता है, ये कुछ वैसा चक्कर लग रहा है। बोल रहा हूँ तू देवे झूठ झूठ बोल, मैं नहीं रोदा रखा, अफ्तारी हो गई है, मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ मार दिया मेरे सामने। नहीं बता कहाँ जा कहाँ रहा है, रेडी शेडी हो गए? अच्छा आगे नहीं कभी मैं रेडी हुआ? आगे नहीं हुआ, पहले हुआ है। आगे कभी नहीं रेडी हुआ नहीं, तू इस्लामाबाद से नहीं आया, तू गुजरात से आया, इसलिए तेरी उर्दू और पंजाबी मिक्स हो जाए। ब्रो घर में 5-6 गाड़ियां हैं, बट वी आर मिडिल क्लास ब्रो। चल जा कहाँ रहा है ये बता यार, खंडू डोन है मतलब कपड़े पाल, कपड़े तो मैंने पहले भी मैं यार, लेकिन इस तरह टशन शशन से नहीं ना जाता, और इस तरह तू रोजाना मुंह पे मुल्तानी मिट्टी भी नहीं लगाता, इसलिए आज खास तौर पर मैं इससे सवाल कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जा किस जगह रहा है। लड़की का चक्कर है, मम्मी को फोन करके कहती हूँ कि इसकी ना शादी करा, अल्लाह हू अकबर, वो सिद्धि ही हराम हो बाबू भैया, लड़की का चक्कर भाई। हेलो फिर बता ना किससे मिलने जा रहे हैं यार? दोस्त मिलने आ रहे हैं, दोस्त तो तेरा एक ऑलरेडी गुजरात से आकर बैठा हुआ ड्राइंग रूम में, उसे छोड़कर कहां जा रहा है? उसको मिलने जा रहा हूं दोस्तों को, सुलेमान को मिलने। ये सुलेमान कौन है? ये तो पहली दफा नाम सुना। ये देखो जब ऐसी स्माइल आए ना लड़कों पे, ऐसी ग्लो आए, ब्लश करे, आंखों में चमक हो, मनना नहीं बच्ची का चक्कर, मनना नहीं तुसी, क्यों नहीं मनना? इसको कहना भाई इसकी, हां बच्ची का, हां इसकी शादी शुदी का सीन करते हैं, छोटी सी एक बच्ची है उसकी हेल्प करने जाना। चलो खैर से अम्मा को कॉल करके तेरा तो बेटा बता दो, लड़कियों को मिलने जाता है ये बंदा, खबरें ना दे देना, झूठी खबरें नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तेरी ये मुल्तानी मिट्टी से जो ग्लो आया हुआ ना आज, और क्रीम भी कोई लगा रहा था अभी खड़ा होकर, वो कौन सी है बीबी ना? अच्छा बीबी, चल बीबी करीब लगाई है इसने, अभी लगाई है अभी थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था बीबी करीब लगा रहा है। गुल्लू तेरी सही बिस्ती का, क्यों तू इस काबिल है? क्यों? क्योंकि मैं उल्टे ही नहीं क्योंकि मैं सच बताता हूँ, सच बताता हूँ भाई, जैकेट ला दे मान लेगा, जैकेट उतार देगा फिर मानेंगे आज, आज नहीं जा, मेरे से कर्फ्यू लग गया है, जाएगा मतलब, चल यार जहाँ जाना है जा, लेकिन टाइम से आ जाना क्योंकि आज अपने टूर्नामेंट का मैच भी है, यस इसलिए जल्दी जा और जल्दी आ। तू कड़ा कुछ करना है, छक्के चुके थे मैं ही मार, नो ब्रो सारे छक्के मार मार के ना, छक्कियां दी लैन लादा नहीं है ते विकटा ले ला के ना, अखीर कर दे पहुंच चुके हैं जी हम लोग ग्राउंड, और तकरीबन अभी दो मैच दूसरी टीम के बाकी हैं, उसके बाद हमारी बारी आएगी, मतलब के एक डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ेगा। अली भाई उन्हें खेलना तो नहीं है, लेकिन बाहर बैठकर तस्बीह पकड़ ले और हाथ दुआ के लिए उठाई रखना जब तक मैं खेलता रहूंगा, ठीक है? भरपूर दुआएं करनी है, चाहिए कि मैं जीत जाऊँ, बल्कि मैं नहीं हमारी टीम जीत जाए। एक घंटा हम लोग इंतजार कर चुके हैं, अभी बस इस मैच के बाद हमारी बारी आ जाएगी ना इंशाल्लाह। कितने ओवर्स रह गए हैं? तीन ओवर्स, चलो ठीक है इंशाल्लाह जीतेंगे हम ही। हमारी बारी आ चुकी है, अभी टॉस वगैरह भी हो गया और हम लोगों ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। मैंने कहा खेलने से पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 ओवर में हमारी टीम ने खा लिया है जी 128 स्कोर, और मैंने 2 ओवर्स करवाए थे और मैंने अपनी बॉलिंग में 50 स्कोर किया है क्योंकि मैंने 2 ओवर्स में 50 स्कोर खाया है यार। ये ना तो 2 ओवर में को, 1 ओवर में मैंने 30 खाया, दूसरे में 20 खाया, तो 2 में 50 हो गया ना भाई। यार असल में ना एक्स्ट्राज ही बहुत हुआ है, एक्स्ट्राज बहुत हुआ है, मैंने इतनी वाइडें फेंकी हैं, समझ ही नहीं आ रही थी, जब गेंद अंदर करता था तब नो बॉल हो जाती थी, वो यार अजीब वो गरीब मामला हुआ था। अब 1 ओवर हो चुका है और 4 ओवर पीछे बाकी है, देखो क्या होता है। पंजाब हरियाणा आज कुछ
काफी ज्यादा ही बेइज्जती हो जा स्कूल खाया था ना इसलिए हार भी गए यार के ना को खाया आपको और बेइज्जती भी बहुत हो गई है यार। चलो खैर कोई नहीं मसला, शायद हमारे नसीबों में क्रिकेट के मुतालिक जीतना लिखा हुआ ही नहीं है, जब भी जाते हैं हार की यार। चल गया कुकु, सबर करो सबर करो सबर करो, क्रिकेट खेल के आए, लेट्स सी क्या बने क्या नहीं बने। वेलकम वेलकम, मुबारक जीत के आए हो। कौन है आप लोग? मैं तो लांते लेकर आया हूँ, अल्लाह की कसम। और हार के आए हैं ये? तुम लोग जाते ऐसे हो जैसे बहुत ही बड़े खिलाड़ी हो, बहुत ही बड़े, और आते ऐसे हो, दूर फिटे हूँ आप लोगों के जाने पे। तुम भी अब लांते दो हाँ। इस पर दो, इसने भी हराया। मैं अकेला बंदा हूँ जिसने अकेला बंदा छक्के चौके मारे। किधर जा रहे हो तुम लोग? किधर भी नहीं, इतना ही है। ते अंदर आओ फिर। हाँ लगे हैं। लांता दे लो मेरे को, तानू दो पिछले भी लांता। मैं जाती ना तो मैंने ना तुम लोगों को जितवा के आना था, चाहे रोक के जितवा। यार जले थे नमक ना छिड़को। तुमने कहा कि मैंने क्रिकेट खेलने जाना है तो मैंने तुम्हें गोली मार देनी, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता तुम पे जब हार के आते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बाइक मेरे घर पड़ी हुई थी किसी की इमानत, वो भी आज डिलीवर हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे गिव अवे विनर की तरफ, जो कि छोटा सा बच्चा गुजरात से बिलोंग करता है, उसको बुलाने का भी इंतजाम मैंने करना है इंशाल्लाह दो तीन दिनों के अंदर। ठीक है, फिर उसके साथ मौज मस्ती हल्ला गुल्ला तो हो गई, लेकिन आज यार बड़ी ज्यादा बेइज्जती हो गई, बड़ी ज्यादा इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है क्या बताऊँ, क्योंकि ग्राउंड में तो आवाम भी बहुत ज्यादा थी और आवाम ने तो मुझे बहुत बेइज्जत किया है, खासकर जो कमेंटेटर्स हैं ना, उन लोगों ने मेरे से पता नहीं किस किस्म की दुश्मनियां निकाली हैं। यार कोई भी बॉल करवाने जाऊँ ना, चीख चीख के सबको बुलाए, वाइट बॉल हो चुकी है जी, जुल्करने साहब की तरफ से वाइट बॉल, ये जी दोबारा से वाइट बॉल, ये जी नो बॉल। मुझे इतने बुरे लगे वो उस टाइम कमेंट्री करते हुए, मैं कहूँ कि यार बॉलिंग छोड़ के ना इनका सर फाड़ गया तो क्यों लोग वो चीख चीख कर मेरे नुक्स बता रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह यार अब उम्मीद है कि अगली दफा जब भी टूर्नामेंट खेलेंगे जीत कर आएंगे। आप सबकी दुआएं भी मुझे उसके लिए भरपूर 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 चाहिए, और वैसे भी मुझे दुआओं में याद रखा करें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखा करें, एदल को दुआओं में याद रखा करें, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी कायम धाइम और अच्छे नसीब वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। अब अपने भाई को दें आज के ब्लॉग से इजाज़त, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।